रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय एशियन किचन। क्या हाल चाल है मेरे यूट्यूब बहन भाइयों का? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक है और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बन रहा है मेरे किचन में बहुत मजे की चीज। तो मेरे किचन में आज बन रहा है कड़ी पकौड़ा, जो बहुत ही मजे का और बहुत टेस्टी इंशाल्लाह बनेगी। तो चलो इसको हम देर किए बगैर तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप दही है और ये मैंने गाढ़ा दही लिया है। 3 बड़े टमाटर लिए थे जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। 2 बड़े प्याज थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक या हसबे जरूरत, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। तो चले मजे मजे की कड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमने ऑयल डाल दिया है। इसमें हम प्याज डाल देंगे, साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठंडे ऑयल में ही मैं डाल रही हूँ। लहसुन और प्याज के पेस्ट को मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और लाइट पिंक कलर का जब ये हमारा अमेजा हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे प्याज अच्छे से हो गए हैं और अब इसमें मैं ये टमाटर की पेस्ट डाल दूंगी और इनको अच्छा सा भून लूंगी। इसमें का अच्छे से हम पानी खुश कर लेंगे और दूसरी साइड पे हम अपना बेसन और दही को मिक्स कर लेते हैं। वो तो अच्छे से फेंट लिया कि इसमें कोई भी वो गुठली वगैरह दही की ना रहे। अब इसमें मैं ये बेसन डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसमें ये वाले मसाले डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एडजस्ट करते जाएं। हमने इसको बिल्कुल लम्स फ्री कर लिया। ये देखें 2 कप दही में मैं 1 गिलास तकरीबन मैंने पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें जी अपने हम पेस्ट की तरफ चलते हैं कि वो उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये देखें जी हमारे मसाले में से अच्छा सा पानी खुश्क हो चुका है और ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे हम अपना ये वाला मेज़ा डाल देंगे। 2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी अभी से इतना प्यारा है। तो मीडियम आंच करके इसे तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी मीडियम आंच पे कड़ी तैयार हो रही है। अभी तो इसे तकरीबन 15 मिनट हुए पकते हुए, अभी ये और पकेगी। तो यहाँ पे हम अपने पकौड़े बनाने का सामान तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए 3 अदद मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काटा है, और अगर आप चाहें तो बड़े भी काट सकते हैं। 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने यूं बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने बेसन लिया है और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ले लूँ। 1 टेबल स्पून मेथी, 1 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने यूं बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चुटकी भर मैंने मीठा सोडा ले लिया है और खुश्क मसालों में कुछ इस तरह से होंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या हसबे जरूरत। तो चलें जी हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम अपना बेसन डालेंगे, इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे, मेथी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, फिर इसमें मैं आलू डालूंगी, फिर इसमें मैं प्याज डालूंगी। तो इन चीज़ों को पहले मैं सूखा मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती कड़ी के पकोड़ों में, मैं ये नहीं डालती। तो ये देखिए ऐसे मैंने खुश्क एक दफ़ा कर ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे पहले मिक्स करूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन और डाला इसमें। तो
ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, पहले हाथ के साथ अब चम्मच के साथ, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा उस टाइम आपने डालना है जिस टाइम आप पकोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपने मीठा सोडा नहीं डालना। अगर आपने डाला तो आपके पकोड़े जरूरत से ज्यादा फूलेंगे। ये मैं अभी डाल रही हूँ कि मैं अभी पकोड़े बनाऊंगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और इसको तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ऑयल हमने गर्म कर लिया है, अब इसमें हम अपने पकोड़े डालते जाएंगे। मीडियम आंच पे हमने ये पकोड़े डाल दिए, और हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। तो हम इनके साइड चेंज करते जाएंगे साथ साथ। ये देखें, ने मीठा सोडा डालने के बाद रेस्ट नहीं देनी। देखें जी, अभी तक हमारी कढ़ी को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटे में हमारी कढ़ी स्टेज पे पहुंची है, तकरीबन आधा घंटा ये और रख जाएगी। तो अब ये पकोड़े हम निकाल लेंगे। तो ये हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है, और इसको भी हम साइज इनकी चेंज करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारे जो कढ़ी है, ये देखिए कितनी अच्छे से, ये तकरीबन 1.5 घंटा हमने इसे पकाया है बिल्कुल मीडियम आंच पे। और ये देखिए जो मैंने ऑयल डाला था वो ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम, ये देखिए मैंने पकौड़ों का ढेर बनाया, तो ये मैं इसमें पकौड़े डाल दूंगी। तो ये इसे मैं अब मिक्स करके सिर्फ 5 से 7 मिनट और पकौड़ों के साथ पकाऊंगी, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये जो हमारा पकौड़ों वाला सेम ऑयल था, हम यही ऑयल लेंगे और तड़का बनाएंगे अपना। और तड़का बनाने के लिए ये कुछ मैंने लाल मिर्च साबत लिया, थोड़ी सी बीच में ये है काली मिर्च साबत, और जीरा ये हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा कड़कड़ाएंगे। तो कढ़ी हमारी हो गई है, तो अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे पकोड़े भी कितने मजे के लग रहे हैं। इसमें हम अब तड़का डाल देंगे अपना। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डोंगे में भी तड़का लगा लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मजे की है हमारी कढ़ी तैयार हुई है, और ये बहुत टेस्टी और बहुत क्रीमी सी ये हमारी कढ़ी बनी है। तो आप भी अपने घर में ये जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है, आप भी बताइएगा कि आपके घर में कढ़ी कितनी ज्यादा पसंद की जाती है। प्लीज हमें कमेंट्स किया करें, आपका कमेंट हमारे लिए अप्रिशिएट होता है। प्लीज हमें लाइक और शेयर करें, मेरी प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह की टेस्टी रेसिपी को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।